ऐसा लेटर जो लिखा गया इसका विश्लेषण आप कैसे करते हैं सरल जी को? ठीक है चंद्रमोहन जी, नहीं देखिए अरविंद केजरीवाल जी और उनके कई मंत्री खुद बोल चुके हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो वो सर्टिफिकेट ठीक है, कम से कम आदमी के अंदर गट भी होना चाहिए तभी वो बोल पाता है। मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी के अंदर गट है और कट्टर ईमानदार है। अगर कट्टर ईमानदार है तो फिर आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, एक बार नहीं हजार बार आप जांच करा लो। जो कट्टर ईमानदार है कुछ नहीं निकलेगा, जैसे ही जांच की बात होती है तो एक राजनीतिक आंदोलन क्यों शुरू हो जाता है, सांच को आंच नहीं। मुझे एक घटना याद आ रही है, कोरोना टाइम पे कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह के प्लांट वगैरह लगाने की बात हुई थी तो केजरीवाल जी ने बहुत हैवी डिमांड की थी, फिर उसकी जब ऑडिट की बात हुई तो वो केजरीवाल के सारे दावे हवा हो गए, उसके बाद केजरीवाल जी ने कोई मुंह ही नहीं खोला, वो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो ये एक घटना केवल मैं याद दिला रहा हूं। कोर्ट से भी फटकार लगी थी शायद। हाँ केजरीवाल जी ने बोला था कि हमारी डिमांड इतनी है, ठीक है, और उसके बाद जब ऑडिट की बात होने लगी तो वो सारा मुद्दा ही, जो कट्टर ईमानदार है वो ईमानदारी कहाँ चली गई पता नहीं चला। मैं दो चीजें बोलता हूँ कि चैन में जैसे विद्युत उत्पादन कोई और कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कोई और कर रहा है, कंज्यूम कोई और कर रहा है, जब चैन लंबी होती है तो डेफिनेटली बहुत जगह चांसेस होते हैं घोटाले होने के। बहुत सिंपल इसका तरीका है, ज्यादातर जो है ये ऐसे होता है कि भाई 10 रुपए का कोई वाजिब है उसको 12 रुपए का कोट करके ज्यादा पैसे सरकार से दिलाए, 2 रुपए अंदर कर लिए कंपनी से वापस, या इसका रिवर्स होता है सब्सिडी में कि 10 रुपए का बिल आया, चलो जी हम 4 रुपए माफ कर देते हैं, कुछ भी दिखा के 2 रुपए हमें दे दो। ये तरीके होते हैं, सिंपल तरीके होते हैं कहीं पे भी घोटाला जो होता है, प्रिंसिपल यही होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक नहीं हजार, अगर केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं तो उनको तो, बल्कि मैं तो बोलता हूं कि उनको स्वागत करना चाहिए कि भाई ये जांच आप जहां से कराओ, सीबी से कराओ, सीबीआई से कराओ, ईडी से कराओ, तो इनको तो बोल देना चाहिए। खुद बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है प्रतिनिधि आ करके एक एक अकाउंट हम दिखाएंगे, ठीक है, तो उससे केजरीवाल का जो उनके व्यक्तित्व का वजन है वो बढ़ता, रेदर देन कि ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं जी के एलजी साहब ऐसे हैं वैसे हैं, ये ऐसे हैं वो नेता ऐसे है। ये शुरू में केजरीवाल जी बोलते थे हर दिन इनके जेब से एक चिट निकलती थी, कभी अंबानी के खिलाफ निकलती थी कभी किसी के खिलाफ, सरकार में आ जाने के बाद इन्होंने कभी कोई उस पर बात ही नहीं की, कभी जांच भी नहीं करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। तो चलिए कम से कम अपनी जिम्मेदारी आप लीजिए, आप कट्टर ईमानदार हैं, सारी फाइलें खोल करके आप रख दीजिए, खत्म बात। ठीक है, तो एलजी को अगर उनके अधिकार याद दिलाए जाएं और कहा जाए मुख्य सचिव को दिए आदेश वापस लिए जाएं, मेरा आग्रह है कि भविष्य में आप कृपया संविधान के अनुरूप कार्य करें। सर मैं इस पे आपसे समझूंगी, ये तलखियां और नहीं बढ़ेंगी क्या? बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बिजली वाकई में चुनावी मुद्दा है, बिजली से सत्ता बदली है इसलिए बिजली का मुद्दा प्यारा भी है सबको। बहुत छोटा ब्रेक। मिश्रा जी, एलजी एक तरफ आप, ठीक है, आप एक तरफ कहते हैं कि आप कट्टर ईमानदार हैं, आप स्वागत करते हैं इन्वेस्टिगेशन का, जिस भी संस्था से आप चाहे जांच करा सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप दूसरी तरफ एलजी को उसके अधिकार बताते हुए लेटर लिखते हैं और आप ये कहते हैं कि जल्द से जल्द आप इसे वापस ले लीजिए। आप ये कहते हैं कि कृपया करके संविधान के अनुसार आप काम करें, आप एलजी को संविधान का पाठ पढ़ाते हैं, फिर तो ये आप कॉन्ट्रडिक्टेड हो गया ना, या तो आप वेलकम कर लीजिए या तो फिर एलजी से लड़ लीजिए। नहीं, बात अगर केवल कॉन्ट्राडिक्शन तक की होती तब तक तो सही थी। ये बहुत बड़ा अपमान है गवर्नर का, गवर्नर साहब का, एलजी का, या फिर आप देश के संविधान का बोलिए। अब आप ये बोलिए कि एक तरीके से आप एलजी के ऊपर दबाव बना रही हैं, दादागिरी दिखा रही हैं, कल को आप राष्ट्रपति के ऊपर भी करेंगे या आपसे उच्च जो भी संस्थाएं हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, सेंट्रल में सरकार किसी की भी हो। तो यही गलती जो है, देखिए ममता बनर्जी ने भी किया था, वो भी गवर्नर साहब को कुछ आईना दिखाने के और प्रेशर बनाने के चक्कर में पड़ी थी, उन्होंने किया था। तो मेरे ख्याल से कि अगर आप वाकई में कट्टर ईमानदार हैं तो आपको ये चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए कि आप इसको वापस लीजिए। आप तो उनको, आप उनका स्वागत करते हैं कि भाई आप कब टीम भेज रहे हैं बताइए और हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लाल किताब, काली किताब, हरी किताब सब खुली हुई है, आपको जो चाहिए कर लीजिए। और कहीं पे भी गैप दिखे कलेक्शन वर्सेस डिस्ट्रीब्यूशन में,
अगर आपको गैप दिखे तो उसका जो बैलेंस शीट होती है डेबिट क्रेडिट बहुत क्लियर लिखा रहता है, वो पकड़ में आ जाएगा। अच्छा, ये प्रक्रिया शुरू ही नहीं होने देना चाहते हैं, इतना विवाद इस पे वो खड़ा कर रहे हैं। भाई एक शब्द आप एक लेटर लिखिए कि स्वागत है, ये सारी किताबें बुक्स जो बैलेंस शीट है ये ओपन है, आप कर लीजिए 2 साल 5 साल का। उस पर इतना सवाल जवाब करने का, ये तर्क देने का, वो स्टेट में क्या हुआ, वहां क्या हुआ, हमने ये किया वो किया, ये सब चीजें होती ही नहीं। अगर डिबेट को खत्म करना है तो आप अपने अकाउंटिंग के बुक्स ओपन करके रख दीजिए, मीडिया में रख दीजिए ना, आप अकाउंटेंट बैठा करके, आपके फाइनेंस के भी एक्सपर्ट हर पार्टी में होते हैं, पूरी बैलेंस शीट लेकर के बैठा दीजिए और पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे दीजिए। एक दिन में डिबेट खत्म हो जाएगी, ना मेरा टाइम वेस्ट होगा, ना केजरीवाल जी का, ना उनके प्रवक्ता का, ना भाजपा का, सब लोग अपना अपना काम करें। केजरीवाल जी भी और आप लोग भी यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, गुजरात में जाएं, हिमाचल में जाएं, कहीं और जाएं, और जरूरत पड़े तो बाहर भी जाकर के अपना प्रचार करिए। भाई इनका इंटरनेशनल तंत्र भी बड़ा मजबूत है, डोनेशन वगैरह शायद बहुत आते हैं, तो टाइम वेस्टेज ऐसे मत करिए। ये अकाउंटिंग का मामला है, सारे बुक्स और रिकॉर्ड कीपिंग जितने भी होते हैं लेकर के बैठिए और एक एक एंट्री आप दिखा दीजिए। भाई ये आया, एक सवाल और सर आपसे, ठीक है, एक सवाल मेरा और, हमने हर विषय पर बात की है और मैंने आपसे सवाल पहले भी पूछा था सर, बजाय की वेलकम करने के आम आदमी पार्टी अटैकिंग हो जाती है, डिफेंड करने लग जाती है, बहुत अटैकिंग बिहेव करती है, क्या अपने आप को क्लीन चिट देने की नई परंपरा शुरू हो रही है और ऐसा लगता है कि आप बीजेपी की पिच पर ही खेलेंगे? आप कहते हैं कि भाई तथाकथित शराब घोटाला हुआ, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, ना जाने क्या क्या फर्जी जांच आप बिठा रहे हैं, यानी कि आप संस्थाओं को भी नहीं मानते। मैं कांग्रेस पार्टी हूं चाहे बीजेपी, मैं सबके लिए एक ही बात कहूंगी, लेकिन ये कहते हैं कि सभी विभागों का समय बर्बाद होता है, आप जरा अपनी जिम्मेदारी सही से निभाएं। मतलब एलजी को क्या देश में कभी किसी ने ऐसा लेटर लिखा था? क्या अपने आप में डिबेट का विषय ये नहीं है? और कौन सा ये स्तर है राजनीति का सर, ये अटैकिंग पॉलिटिक्स इस तरह से इस लेवल पर आकर? नहीं नहीं अटैकिंग पॉलिटिक्स होना चाहिए, वो एक पॉजिटिव चीज है, लेकिन वो मुद्दों पे होना चाहिए। देखिए एलजी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह वो सब संवैधानिक तरीके से आते हैं, किसी एक पार्टी की मतलब एकाधिकार नहीं है कि किसी ने रिफर कर दिया, वो कर दिया तो बैठ गए, और संवैधानिक तरीके से काम करते हैं। मैंने इसीलिए बोला कि एलजी को काउंटर अटैक करना ये तो वाकई में संविधान के विरुद्ध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आप बुक्स वगैरह सारी चीजें ओपन करिए। रही बात जो आप अटैकिंग पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जितना अटैक करेंगे अपने आप को बचाने के लिए और दूसरे को डैमेज करने के लिए, ये दो पर्पज होते हैं और इनका उदय ही अटैक से हुआ है। आप ये देखिए जब सत्ता में नहीं थे तो ये केवल अटैक करके, और कई अटैक तो गलत साबित। ठीक है सर, वक्त मेरे पास इतना ही था, मैं माफी चाहती हूँ, बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, लेकिन